ट्रेन में फंसे दो युवक पहुंचे सुरक्षित अपने घर, चेहरे पर खिलखिलाहट दिखी। जी हां, आपको बताते चले, मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गोदी हमीरपुर गांव में दो युवक यूक्रेन देश में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, जिसके चलते यूक्रेन और रशिया देश में जंग छिड़ गई और दोनों देशों में जंग छिड़ने जाने के बाद चलते हिंदुस्तान के युवक फंस गए, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने यूक्रेन की सरकार की मदद से फंसी हिंदुस्तानी युवकों को घर निकालने की सुरक्षित की बात कही, जिसमें यूक्रेन की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हिंदुस्तान के फंसे युवकों को बारी बारी से निकालना शुरू कर दिया, जिसमें भोजपुर थाना क्षेत्र की गोदी हमीरपुर गांव में दो युवक सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं और परिवार में पहुंचने के अच्छा महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में चल रही जंग के चलते दोनों युवकों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आप बीती बताई। जी, मैं यूक्रेन में MBBS की स्टडी के लिए गया था। मैं यूक्रेन में उज़्बेकिस्तान शहर में पढ़ता था। हमें जब लगभग जैसे भाई ने बताया अभी के 22 को सुबह में हमें सब घबरा गए थे एकदम। सब सुबह को लगभग 3-4 बजे से सारे उठकर बैठ गए थे बच्चे, सबको नींद नहीं आ रही थी। सब बच्चों के जब पता चला कि मतलब बमबारी हो रही है तो बच्चों का डर लगने लगा था कि पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए, इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान थे। अच्छा, किस तरीके का यूक्रेन में जो रशिया और यूक्रेन के बीच बमबारी जंग चल रही है, किस तरीके का हालात बने हुए हैं प्रेजेंट में? बहुत बहुत गंभीर हालात हैं प्रेजेंट में। बात करें, हम तो सुरक्षित आ गए घर, बट जो बच्चे जैसे कि कीव और खारकीव जैसे शहरों में अभी भी बच्चे बंकर्स और इधर मतलब खाने की मेन प्रॉब्लम बहुत समस्या है कि जैसे भाई ने बताया खाना और पीना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी कल की बात ले लो, एक लड़का कर्नाटका का नवीन, वो 4th ईयर में पढ़ता था वहाँ की खारकीव यूनिवर्सिटी में, वो लाइन में लगा हुआ था 1.5-2 घंटे से लाइन में लगा हुआ था खाने के लिए बस, तो गोलीबारी में बेचारा उसका हेडशॉट हो गया, जिस वजह से हमें भी बहुत दुख है उस बात का। बस यही कहना। अच्छा, किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सरकार से, जिस तरीके से कुछ वहाँ आपका लाखों हजारों रुपए का सामान भी रह चुका है, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? सामान का तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जैसे हालात सुधरेंगे तो सामान, तो पहली बात तो हम जिंदा आ गए बस बच के, इसके लिए हमारा इससे सामान तो हम फिर भी ले लेंगे, पर सामान की तो कोई बात नहीं क्योंकि वो तो हमारा भी है जैसे है फिर ले लेंगे, बट एक बार हालात सुधर जाएं तो हम दोबारा पहुंच जाएंगे वहाँ। जिस तरीके से यूक्रेन में हमला है, लगातार जंग जारी है, मौतें लमसम डेली कितनी हो रही होंगी वहाँ पर? इसका अनुमान तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि जो वहाँ के आर्मी है, आर्मी बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर हालात हैं। अभी कल की बात ले लो तो लगभग 64 किलोमीटर लंबी रूसी फौज ने कीव में एंटर हुई है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि जो जैसा हमारे लिए किया उन्होंने सरकार ने, बहुत अच्छा लगा मुझे और जो बच्चे आए हैं मेरे, मैं अपनी और उन बच्चों की तरफ से जो यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को और उसके बाद में ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान आलम है। मैं इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करता, 5 ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा भाई, आप स्वच्छित यूक्रेन देश से आए हैं, किस तरीके का माहौल था वहाँ पर और क्या हालात वहाँ के अभी भी बने हुए हैं और किस तरह से स्वच्छता आप घर पहुँचे हैं महसूस कर पाए हैं? सर, माहौल तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ती चली आ रही है। जैसे कि 22 को पहला बार रशिया ने यूक्रेन पर किया था, उसी दिन से उसकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। वहाँ के लोग अपना यूक्रेन छोड़कर मतलब पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन बॉर्डर क्रॉस कर करके दूसरे देशों को जा रहे हैं और स्टूडेंट के दिलों में भी एक दहशत का मंजर था, जिसे लेकर इंडियन स्टूडेंट भी बॉर्डर की तरफ चलने लगे थे। मैं भी वहाँ से निकला था मतलब रोमानिया बॉर्डर के लिए और मैंने एक बस की थी जिसमें हम 22 स्टूडेंट थे और मुझे जाने में वहाँ पर 4 घंटे लगे थे। आफ्टर डैट फिर मैंने 4 घंटे का वहाँ पर वेट किया और मैंने जो था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मुझे 3 घंटे इमिग्रेशन में लगे। इमिग्रेशन के बाद वहाँ पे एक इंडियन बस थी जिसका फ्लैग इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मैंने बोला इंडिया से रहने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे स्पेशल खाने पीने का सामान दिया, भोजन भी था और मुझे बस आप क्या रहे थे वहाँ पर? मैं स्टडी करने के लिए गया था और मैं MBBS की स्टडी कर रहा था वहाँ पर। हमला हो रहा था तो किस तरीके का माहौल आपके मन में और देश में बना हुआ था? सर, माहौल मन में तो यही था बस, जैसी सिचुएशन एकदम वहाँ पर बमबारी हुई तो मैंने यहाँ से छोड़ना ही बेहतर है
और इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया था। आप कितने लगभग कितने व्यक्ति वहाँ पे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट वहाँ से निकल गए हैं 60-75%, लेकिन अभी भी वहाँ कीप और खारकीप में स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी जल्द उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और उनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है। और एकदम मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उनको वहाँ से निकाला जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप फंसे हुए थे और जब आप वहाँ से फ्लाइट के लिए बस से या किसी वहाँ से निकले थे, तो किस तरीके का डर मन में था, क्या पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे? सर, डर तो बहुत सारा था कि मतलब हमें रास्ते में कोई लूट ना ले, कोई हमको मार ना दे, क्योंकि हमें 12 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा था, हर कदम पर हमको डर लग रहा था। तो बस यही था मन में कि जितनी जल्दी हो जाए इतनी जल्दी हम घर पहुँच जाएँ। और जो बॉर्डर पे हमसे 2-3 दिन पहले भी लोग वहाँ पे गए हुए थे, जो स्टूडेंट गए हुए थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा, बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से वहाँ अभी कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं, तो अपनी केंद्र की सरकार से किस तरीके की मांग कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी और योगी जी से कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उनको